गाड़ी का जो एक घंटे का चार्ज है ना वो 1500 रुपये है, लैम्बोर्गिनी है ये। तो ये बीच का व्यू है, बीच में लोग डांस कर रहे हैं, लोग अपना बैठे हैं, लोग स्विमिंग कर रहे हैं। गाड़ियों का भाई साहब यहाँ पे ऐसे हाल है, ये देखो रेड कलर की लैम्बोर्गिनी इंग्लैंड। एंड यू? मैं फ्रॉम इंग्लैंड। या व्हाट अ गुड नेम। माय नेम इज पे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं जाता हूँ दुबई की बहुत ही फेमस जगह दुबई मदीना में, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को एंजॉय कीजिए। मेट्रो के अंदर आ चुके हैं, मेट्रो में फिलहाल तो वैसे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, बट हम चुपके से बना ले रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी मुझे DMCC मेट्रो स्टेशन से दुबई की ओर मुझे जाना है, जो दुबई की साइड में जो स्टेशन है ना उस साइड में मुझे बाहर निकलना है, तो वहाँ से फिर मैं पैदल जाऊँगा। अगर आप लोग ये सड़क देख रहे होंगे ना, जो इस साइड को जो गाड़ियाँ मेरे साइड को आ रही हैं कैमरे के साइड को, वो गाड़ियाँ दुबई की ओर आ रही हैं, जो उस साइड की जा रही हैं वो अबू धाबी जा रही हैं। तो मैं ये दुबई के साइड में अभी उतरूँगा फिलहाल। अगर आप लोग घूमने आ रहे हो ना, तो मेरे वीडियो को अगर फॉलो करके भी आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे ना 5th time आ रहा हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर भटक गए यहाँ पे तो फिर आपको 4 के 40 देने पड़ेंगे, ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके बाद जब जो टैक्सी में लगते हैं ना भाई साहब, 40 दिरहम 50 दिरहम ऐसे लगते हैं ना, जब बहुत खलता है। मेरे को कई बार लग चुके हैं, तो मैं जानता हूँ कैसा लगता है उस टाइम। क्या ये आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे होंगे ना, वो मेट्रो स्टेशन है वो साइड में, और मेट्रो स्टेशन इतना चलना पड़ता है। इतना चलने के बाद फिर ये सामने लगभग 400 मीटर के बाद एक ये वो आता है पहला राइट, तो उस राइट में लेके हम लोगों को जाना पड़ता है। तो ये वो कैनल है आप लोग देख रहे होंगे, जा रही है ना, बाय। अभी हमको यहाँ से प्रेस करना होता है ये बटन, तो ये जो लाइट है ना ये ग्रीन हो जाएगी, फिर ही हमको क्रॉस करना होता है। अदरवाइज़ अगर पुलिस ने देख लिया क्रॉस करते हुए तो 500 दिरहम का फ़ाइन मारेगा, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 10,000 रुपये का होगा। तो दुबई में सड़क को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है इंडिया के मुकाबले। इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैदल वालों को कोई नहीं कुछ बोलता, बट दुबई में आपका अच्छे से चालान कटता है भाई साहब। मैं वो रोड क्रॉस करके आ गया हूँ ना, अब यहाँ से मुश्किल से है ना 200 मीटर ही बचा हुआ है बीच। गाड़ियों का भाई साहब यहाँ पे ऐसे हाल है, ये देखो रेड कलर की लैम्बोर्गिनी, क्या गाड़ी है यार। तो गाड़ियाँ यहाँ पे आपको ऐसी मिलेंगी भाई साहब, ये जगह ही ऐसी है ना कि गाड़ियाँ आपको VIP मिल जाएंगी एकदम। आप जो मेरे जो साइड में देख रहे हैं वो बीच वाला सारा एरिया है, जो आप वो व्हील भी देख रहे होंगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्हील है। वो 30 मिनट के लिए भी मिल जाएगी, 1 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए भी मिल जाएगी ये गाड़ियाँ। गाड़ी का जो 1 घंटे का चार्ज है ना वो 1500 रुपये है, लैम्बोर्गिनी है ये तो, और 30 मिनट का भी कुछ है 500 रुपये के समथिंग है। तो 30 मिनट में तो कुछ नहीं, स्टार्ट करेंगे आएगी जाएगी ख़त्म हो जाएगा, तो 1 घंटे में आप ये मदीना जगह इसमें है ना 1000 रुपीज़ स्पेंड करके है ना, मतलब इसमें घूम सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं, लैम्बोर्गिनी का सपना पूरा कर सकते हैं आप लोग। फाइनली मैं आ गया हूँ बीच में, अब मेरे ये पीछे देख रहे होंगे द बीच। मेरे चैनल में जाके आप लोग ये वीडियो ब्लॉग जरूर देखिए, दुबई मॉल और शेख जैद रोड, गोल्ड मार्केट, टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा, एक्सपो 2020, इन सभी वीडियोस के मैं लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वो लोग आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। क्या गाना बज रहा था पीछे, मज़ा आ गया। तो बीच में ये सब चलता रहता है, ये एक्टिविटी सारी होती रहती हैं, तो अपने आप में थोड़ा सा मज़ा आता रहता है। ये वो बीच का एरिया है, ठीक है, बीच के सामने का एरिया है, और वो मेरे जस्ट पीछे आप जो देख रहे हैं ये सारा बीच है, समुंदर है इसके पीछे। सो लेट्स गो, चलते हैं एक बार बीच की तरफ। ये वो बीच का एरिया है, ठीक है, अभी इसमें आप लोगों को मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी भी है, प्राइवेसी जो यहाँ पे है उनके लिए नहीं है प्राइवेसी, मुझे लगता है कि जो देख रहे हैं उनके लिए है या मेरे लिए है। तो ये वो बीच है, शानदार बीच है अपने आप में, और वो बीच
इसके व्यू अपार्टमेंट है सामने, और ये सामने ये जो आप ये जो व्हील देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा है ना व्हील है, जो कि उसमें व्हील में जाने का है ना, वो साइड साइड में देख रहे हैं ना, वो पूरा एक ब्रिज है, उससे आप लोग जा सकते हैं। और ये बीच में तरह तरह की अपनी एक्टिविटी हो रही है, वो उसमें टिकट लेके आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अभी देखो लहरें धीमे धीमे आती हैं, मेरे कदमों को चूमती हैं। तो ये बीच का व्यू है, बीच में लोग डांस कर रहे हैं, लोग अपना बैठे हैं, लोग स्विमिंग कर रहे हैं, लोग अपना रीडिंग कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना करने का बीच में अपना अपना तरीका है, सब लोग अपना अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। काफ़ी ओपन बीच है, लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपल्स भी आ सकते हैं, फैमिली भी आ सकती है, और बैचलर्स भी आ सकते हैं, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बैचलर्स को आना है तो अपने तरीके से रहना है। तो काफ़ी शानदार बीच है अपने आप में, काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप देख ही रहे होंगे, लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आइए इस बीच में ज़रूर, बहुत शानदार बीच है। अब बीच में आए हैं तो खाने का कुछ पूछ ही लेते हैं, क्योंकि जब घूमने आओगे तो भूख तो लगेगी, अब भूख लगेगी तो क्या कितना कैसा क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। हाउ मच फॉर वन पॉपकॉर्न? 20 dirham के हिसाब से भैया एक पॉपकॉर्न है, ये मतलब अपने इंडिया के हिसाब से 400 rupees का, 4 rupees का पॉपकॉर्न भैया 400 rupees का है। अब आप देख लीजिए कितनी महंगाई है, कितनी लग्जरी जगह है ये। तो हाउ मच फॉर वन पॉपकॉर्न? 15 dirham का एक पॉपकॉर्न है, जो कि इंडिया के हिसाब से 300 rupees का है। Follow to this channel. What's your name? Shivam. Watch it, guys. Subscribe. This is the man right here. From YouTube channel. From India. Oh, say yeah. Something about my channel. Oh. Like, share and subscribe, something say, please. Yeah. I hope you're enjoying the video. I hope you're having a good time in Dubai. Yeah. What's your name? Shivam. Shivam. Ayrton. Ayrton. Where are you from, Ayrton? England. England. And you? We're from England, yeah. Yeah, what a good name. My name's Bay. Bay. So please. Subscribe to the channel. Beautiful view. Beautiful channel. thank you so much. Huh? Okay. What are you making something here? Like inside the sand? Yeah, making a little mound. okay. Enjoy. Have a good day. See you later. तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।